बिहार में पुलिस का खौफ खत्म हो चुकी है। सरेआम पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीण आखिर क्यों मारने लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए, वैशाली जिला का यह मामला है जहां महुआ चौक स्थित मंगरू चौक के पास विवादित जमीन 30 साल से चल रही थी। कोर्ट का फैसला आया, दल बल के साथ पुलिस मंगरू चौक के पास पहुंचती है और खाली जमीन को खाली कराई जाती है। लेकिन उस दरमियान ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों, डंडों और पत्थरबाजी करने लगे। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले को ग्रामीण दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। महिला भी बांस उठाई हुई है, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला निकलकर सामने आई है महुआ चौक स्थित मंगरू चौक की बताई जा रही है, जहां 30 साल से विवादित जमीन था। कोर्ट का आदेश आया, जमीन खाली करवाने पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं था कि आफत उनके सर पर मंडराने लगी है। देखते ही देखते ग्रामीण उग्र होते हैं और पुलिस पर जमकर रोड़ेबाजी और लाठियों डंडे की बौछार कर देती है। हालांकि पुलिस ने कई ऐसे उपद्रव को हिरासत में भी ली है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को जमीन खाली करवाना महंगा पड़ गया, इसीलिए हम करें कि क्या बिहार में पुलिस का खौफ खत्म हो चुकी है? जगह जगह पर पुलिस के साथ इस तरीके का बर्ताव अक्सर बिहार में देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, वैशाली जिला का यह तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि खाली जमीन को खाली कराने गई पुलिस पर ही आफत बरसी और जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दिया गया।